नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बारिश शुरू होने के पहले ही बांद्रा में हुआ बड़ा हादसा, दो मंजिला मकान गिरकर मलबे में हुआ तब्दील। देश के कुछ हिस्सों में शुरू हो चुका मानसून अब तक महाराष्ट्र में नहीं पहुंचा है और जल्द ही मानसून के महाराष्ट्र में दस्तक देने की उम्मीद है। ऐसे में बिना मानसून की बारिश के ही मुंबई में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। हम यह बात दरअसल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रतिवर्ष मानसून में जर्जर हो चुकी अति धोखादायक इमारतों के गिरने की खबर सामने आती रहती है, लेकिन कल बीती रात को बांद्रा वेस्ट के पटेल नगरी बस डिपो के पास में स्थित एक ग्राउंड प्लस टू का घर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें 15 से अधिक लोग मलबे में दब गए। मिली जानकारी के अनुसार रात के करीब 12-12:30 के बीच घटी इस घटना से आसपास अफरा तफरी मच गई। घटना के समय घर में मौजूद 15 से ज़्यादा लोग मलबे में दब गए। घटना की जानकारी पर प्रशासन के विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायल लोगों को नज़दीक के भावा हॉस्पिटल में पहुंचाया। बाद में अस्पताल प्रशासन ने घायलों में से एक 40 वर्षीय शाहनवाज नामक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। इस प्रकार इस घटना अंतर्गत एक मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई। बाकी सभी घायलों में से कुछ को छुट्टी दी जा चुकी है और कुछ का अभी भी इलाज जारी है। वीडियो में दिखाई देने वाली तस्वीरें उसी घटना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।